हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, मिनिमम वेजेस जो गवर्नमेंट ने इंक्रीज करी हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने महंगाई को देखते हुए सभी जो वर्कर्स हैं, चाहे वो अलग अलग सेक्टर में काम कर रहे हैं, उन सभी की मिनिमम वेजेस को इंक्रीज कर दिया। तो इस वीडियो में पूरी डिटेल जानेंगे हम। और ये जो एप्लीकेबल हो रही है, ये अक्टूबर 2024 से ही एप्लीकेबल हो रही है। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि जिस हिसाब से कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रही है, महंगाई इंक्रीज हो रही है, उसको देखते हुए कम पैसे में गुजारा करना आज के टाइम पर बहुत मुश्किल है सभी के लिए। तो इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने उनका जो वेरिएबल डियरनेस अलाउंस है, उसे इंक्रीज कर दिया है। देखिए, जो वेजेस होती हैं उसके दो पार्ट होते हैं, एक बेसिक वेजेस होती है और एक डियरनेस अलाउंस होता है। तो महंगाई को देखते हुए, इन्फ्लेशन को देखते हुए, बढ़ी हुई कॉस्ट ऑफ लिविंग को देखते हुए ये रिविजन किया गया है वेरिएबल डियरनेस अलाउंसेज में। और ये हम एप्लीकेबल बता ही चुके हैं, 1 अप्रैल 2024 से ही एप्लीकेबल हो गए हैं। अच्छा, इसके बेनिफिशरीज कौन होंगे? तो जो अलग अलग वर्कर्स हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में, वार्ड की ड्यूटी कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, माइनिंग में या रेलवे में, तो अलग अलग तरीके के वर्कर्स होते हैं, वो अलग अलग कैटेगरीज में होते हैं। तो उन सभी की, उनकी कैटेगरीज के हिसाब से वेजेस बढ़ाई गई हैं। तो आगे के हम बात करने वाले हैं आगे के वीडियो में कि कितनी, किस वर्कर के लिए कितनी वेजेस बढ़ाई गई हैं। तो जो कैटेगरीज हैं वो जनरली 4 कैटेगरीज होती हैं, आप देख सकते हैं, अनस्किल्ड कैटेगरी, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड, हाईली स्किल्ड। और एरिया वाइज भी डिपेंड करता है ये कि आप कौन सी सिटी में, कौन सी लोकेशन में आप काम कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी ये महंगाई डिपेंड करती है। तो देखिए, ये जो चार्ट है ये बहुत क्लियरली बता रहा है कि 4 तरीके के वर्कर्स हैं और 3 कैटेगरीज हैं एरिया वाइज जिसके हिसाब से वेजेस बढ़ाई हैं। अच्छा, देखिए, अनस्किल्ड में कौन आते हैं जनरली? तो जो स्वीपर्स होते हैं, क्लीनिंग करते हैं, जो बंदरगाह पे या रेलवे पे लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं, जिसके लिए खास बहुत स्किल्ड की जरूरत नहीं है, तो वो अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं। और उनका एरिया वाइज जो मिनिमम वेजेस है वो आप देख सकते हैं कि अगर वो ए एरिया में है तो उनकी जो मिनिमम वेजेस है वो 783 रुपीज है। वहीं अगर वो सी एरिया में बिलोंग करते हैं तो वहां मिनिमम वेजेस कम होगी, 526। अब ए एरिया में जनरली वो सिटीज आती हैं जो काफी कॉस्टली हैं, जिनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है, जैसे हम बात कर लें दिल्ली की, गुड़गांव की, अहमदाबाद, बेंगलोर, तो ये सब ए कैटेगरी में आती हैं। वहीं बी कैटेगरी की बात करें तो उनसे जो छोटी सिटीज़ हैं, जैसे चंडीगढ़ है, आगरा है, जयपुर है, पुणे है, तो इन सिटीज़ में महंगाई थोड़ी कम है, तो यहाँ पे जो मिनिमम वेजेज है वो 655 रुपीज़ है। वहीं इन सबको छोड़ के जो छोटे एरियाज हैं बिल्कुल, जहाँ पे महंगाई भी कम है, जहाँ चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन कम है, यानी कम पैसे में गुजारा किया जा सकता है, वहाँ पे जो मिनिमम वेजेज हैं वो 526 रुपीज़ हैं। और ये प्लस क्या है, 523 प्लस 260, अगर ए कैटेगरी में 783 है तो 523 आपकी बेसिक वेजेस है, प्लस महंगाई को देखते हुए जो 260 है वो पहले कम हुआ करता था, इसको बढ़ा के अब 260 कर दिया है। और एक वर्कर को, अगर वो अनस्किल्ड वर्कर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, तो 783 रुपीज उसको मिलेंगे। नाउ डिपेंड करता है, ये पर डे के हिसाब से है, मैं आपको बताऊं। अब जनरली बात करें कि मंथ में अगर 26 डेज काम करते हैं तो 20-25 हज़ार रुपये उनकी सैलरी बन जाती है। वहीं अगर सेमी स्किल्ड की बात करें तो सेमी स्किल्ड वर्कर वो हो गए जो स्किल्ड से थोड़ा सा कुछ ज़्यादा स्किल्स रखते हैं, तो उनकी जो मिनिमम वेजेस है पर डे वो थोड़ी सी इंक्रीज होगी। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए एरिया में, अगर वो फॉर एग्जांपल दिल्ली, गुड़गांव, अहमदाबाद, बेंगलोर, इन सिटीज़ में, मेट्रो हैदराबाद, इन सिटीज़ में काम कर रहे हैं तो उनको 868 रुपीज़ मिलेंगे। वहीं अगर स्किल्ड कैटेगरी के वर्कर्स की बात करें, अब स्किल्ड में कौन आ जाते हैं? जनरली जो वार्ड होते हैं, वॉचमैन होते हैं, और विदाउट आर्म्स वाले, ठीक है, जो हथियार नहीं रखते हैं, तो उनके लिए जो ये मिनिमम पर डे वेजेस है वो 954 रुपीज़ है एक कैटेगरी में। और अगर वहीं वो सी लोकेशन में काम करते हैं तो वहाँ 379 रुपीज़ है। जो हाईली स्किल्ड होते हैं, हाईली स्किल्ड में अब क्या होगा, जनरली जो वार्ड और वॉचमैन होते हैं विद आर्म्स, ठीक है, हथियार होते हैं जिनके पास, तो वो स्किल्ड में आते हैं क्योंकि उन्होंने उसकी ट्रेनिंग लिए रखी होती है। तो उनकी जो मिनिमम वेजेस है, अगर वो ए कैटेगरी वाली लोकेशन में होंगे तो 1035 रुपीज पर डे की है। वहीं अगर वो बी कैटेगरी में है तो 954 रुपीज है, और सी कैटेगरी में 868 रुपीज पर डे। तो हम देख सकते हैं कि ये जो दोनों ही लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है इन्फॉर्मेशन लेना, जो वर्कर्स हैं जो ये काम करते हैं उन्हें भी पता होना चाहिए हमारा कितना हक है, गवर्नमेंट ने कितना बता रखा है कि मिनिमम वेजेस हमें कितनी मिलनी चाहिए, और जो एम्प्लॉयर्स हैं जो उनको हायर करते हैं उन लोगों को भी पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट के क्या रूल्स हैं, सो अकॉर्डिंगली वो उस मिनिमम वेजेस को अपने वर्कर्स को कम से कम दें। तो टाइम के साथ हम देखते हैं कि बेसिक पे भी इंक्रीज होती है, प्लस डीए भी इंक्रीज होता है। तो आज के टाइम में भी ये बहुत ज़्यादा नहीं है, रीज़न बीइंग महंगाई बहुत ज़्यादा है, बट विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम गवर्नमेंट टाइम के साथ इन चीज़ों को बढ़ाती रहेगी, जिससे वो लोग भी अपना जो जीवन है, अपनी लाइफ है, वो अच्छे से जी पाएँ। तो वीडियो यूज़फुल लगा हो तो आप हमारे चैनल अंकित फाइनेंस क्लब को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं कि उन्हें ये नॉलेज मिल जाए। थैंक यू।